शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी है फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 29 दिसंबर 2021। तो दोस्तों आज में श्रीलंका देश ने बिना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है। तो दोस्तों अगर श्रीलंका का कोई नागरिक अगर विदेशी व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना अब से श्रीलंका में शादी नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों सुरक्षा कारणों से श्रीलंका देश ने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया गया है और दोस्तों यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राधिका जाजी को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में राधिका जी को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंटली अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा जी। तो दोस्तों हाल ही में राधिका जी को EESL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि EESL की सहायक कंपनी कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने अभी ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों हाल ही में राधिका झाजी को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट कैप्टन रे इलिंगवर्थ जी का निधन हुआ। तो दोस्तों 1958 से लेकर 1973 के बीच में रे इलिंगवर्थ जी ने 61 मैचेस खेले थे और दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट कैप्टन रे इलिंगवर्थ जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विक्रम मिश्री जी जो कि एक अपने भारत के पूर्व राजनयिक है, उनको ही भारत देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो दोस्तों विक्रम मिश्री जी अभी तक चाइना में राजदूत थे लेकिन अब यह डेप्यूटी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं। और दोस्तों करंटली NSA कौन है, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल जी। तो दोस्तों हमारे इंडिया में एक NSA यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है और 3 डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स होते हैं। तो दोस्तों एक की जगह पे तो विक्रम मिश्री जी को चुना गया और 3 डिप्यूटी NSA में से एक तो है विक्रम मिश्री जी, दूसरे है राजेंद्र खन्ना जी और तीसरे है दत्ता पड़सलगिरकर। तो दोस्तों हाल ही में विक्रम मिश्री जी को जो कि एक पूर्व राजनयिक है अपने इंडिया के, उनको ही भारत देश के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रूस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और दोस्तों यह इस प्रकार के रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण है। यह तीसरा और आखिरी परीक्षण था दोस्तों। और दोस्तों इस रॉकेट को क्रूनिशेव स्टेट रिसर्च एंड स्पेस सेंटर ने बनाया है। अंगारा A5 2400 किलोग्राम मास सिमुलेटर को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रूस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अपने नाम की। तो दोस्तों तमिलनाडु स्टेट को हराकर हिमाचल प्रदेश राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने यह पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है दोस्तों। तो दोस्तों तमिलनाडु को 11 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के कैप्टन थे ऋषि धवन, उन्होंने एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती दोस्तों तमिलनाडु को हराकर दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में UAE देश ने यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। तो दोस्तों COVID-19 की महामारी में UAE देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और अभी 2021 दिसंबर में UAE देश ने भारत से पोल्ट्री की आयात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई जी ने जीता। तो दोस्तों तो गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से फेमस विरल देसाई जी को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गुजरात के ही यह बहुत फेमस है दोस्तों, यह जगह जगह पे पेड़ लगाते हैं और ग्लोबल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से फेमस विरल देसाई जी को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो बात अभी HDFC बैंक की है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर
है मुंबई में, जिसके CEO है दोस्तों शशिधर जगदीशन। तो दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को संजू वर्मा जी ने लिखा है। तो दोस्तों अर्थशास्त्री संजू वर्मा जी ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को संजू वर्मा जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया। तो दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? JAXA यानी कि जैक्सा। जैक्सा यह जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 22,240 मील यानी कि 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। और दोस्तों इनमारसेट 6F1 को लंदन स्थित कंपनी इनमारसेट ने अपनी अगली पीढ़ी की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। और दोस्तों यह सैटेलाइट 5,470 किलोग्राम का है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जापान देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो दोस्तों दक्षिणी लद्दाख में उमलिंगला पास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। और दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने समर्पित किया LAC और LOC पर बने 27 पुल और 3 सड़कों को, इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI ने आरती कृष्णन जी को म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों हाल ही में SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आरती कृष्णन जी को म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IPS अधिकारी वॉयलेट बरुआ जी को असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। तो दोस्तों IPS ऑफिसर है दोस्तों वॉयलेट बरुआ जी, इनको ही अभी असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आलिया भट्ट जी को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जी को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया है दोस्तों। तो बात अभी पेटा की है। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों पेटा यह एक संस्था है जो एनिमल्स के प्रति बहुत भावनिक और जागरूक है। वह पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के रूप में जानी जाती है दोस्तों पेटा कंपनी। तो दोस्तों हाल ही में यह एक संगठन है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जी को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। चलिए आज अपन क्या पढ़े वो एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। और दोस्तों हाल ही में राधिका झाजी को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट कैप्टन रे इलिंगवर्थ जी का हाल ही में निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में विक्रम मिश्री द पूर्व राजनयिक को भारत देश के नए उपराष्ट्रीय यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में चुना गया। तो और दोस्तों हाल ही में रूस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती तमिलनाडु को हराकर। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। और दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। और दोस्तों हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में जापान देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया। और हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने आरती कृष्णन जी को म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया। और दोस्तों हाल ही में IPS अधिकारी वॉयलेट बरुआ जी असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। और दोस्तों हाल ही में आलिया भट्ट द बॉलीवुड एक्ट्रेस को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आप दोस्तों यह पसंद आए होंगे आज के करंट अफेयर्स, ऐसा आशा करता हूँ। और दोस्तों अगर
पसंद आए होगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।